हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दो शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे और दोनों शेयर गोल्ड से रिलेटेड काम करते हैं। और फिर ये मत सोचना कि मैं मुथूत फाइनेंस से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। नहीं, मैं मुथूत फाइनेंस से रिलेटेड बातें नहीं कर रहा, बट हाँ, दो ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ जो एक गोल्ड के बिजनेस में है। ओके, एक तो रिफाइन करता है गोल्ड को और वर्ल्ड का उसमें लीडर है। ओके, उस शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, बट उसका शेयर प्राइस इतना नीचे आपको मिल रहा है कि ऐसा मौका कहीं नहीं मिलेगा। तो उन्हीं से रिलेटेड बातें करेंगे, फटाफट वीडियो को बनाते हैं, थोड़ा फास्ट रिकवर करेंगे ताकि दो वीडियो बनाने, उनके फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस भी करने हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, खुद करें सब्स और बेल आइकन को हिट करें ताकि फौरन तौर पर इस तरीके के अपडेट्स मिले, एज वेल एज इस वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है, एक फ्री में आपका ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं एंजल ब्रोकिंग के साथ, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें और अपनी इच्छा अनुसार डोनेट करें और एक पुण्य काम में मदद करें, जो कि पुण्य काम में मदद करने पर हमारा पैसा हमेशा बढ़ता ही है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो आइए वीडियो की तरफ। सबसे पहले जिससे बात कर रहे हैं, मन्नपूर्णम गोल्ड फाइनेंस का बिजनेस को देख लेते हैं। पहले देखिए मन्नपूर्णम, पहले हमारा मुथूत फाइनेंस नंबर वन पे चलता है। ओके, इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो चलता है ना, वो चलता है मुथूत फाइनेंस। इंडिया में मुथूत फाइनेंस बहुत अच्छी तरीके से चलता है। अगर इनका प्रोडक्ट देखें ना, ऑनलाइन गोल्ड, गोल्ड लोन, SME फाइनेंस, फोरेक्स एंड मनी ट्रांसफ़र, व्हीकल लोन, डोर स्टेप गोल्ड लोन, टूर एंड ट्रैवल लोन, पर्सनल लोन, माइक्रो होम फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, इंडस्ट्रियल लोन, टीचर लोन डिवीज़न, हेल्थ केयर, ओके, अदर लोन, अदर सर्विस टू व्हीकल फाइनेंस। तो ये कंपनी गोल्ड में और एज वेल एज फाइनेंस की कंपनी में डील करती है। अगर इसकी बात करें ना, इसकी अगर हम बात करें फोर इसकी जो ब्रांचेज है 4190 मतलब 4190 प्लस इसकी ब्रांचेज है। और बात करें अक्रॉस 25 स्टेट, जो 25 स्टेट मतलब भारत के 29, 30, 31 जो इतने भी स्टेट है उसमें से 25 स्टेट्स में यहाँ पर इनका बिजनेस है। ओके, 4190 ब्रांच है और लगभग 1,90,000 प्लस इनके एम्प्लॉई है। ओके, स्टाफ की स्ट्रेंथ है। और अगर बात करें 156 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है। ओके, ये शेयर 190 इस रेंज में ही चलता है और ये 150-148 पे आज के ना 150 के दायरे में आके कंसोलिडेट करता है और फिर एक साथ भागता है और 190 रुपये पे जाके रुकता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देख लीजिए वन मंथ का चार्ट पैटर्न। ओके, 170-180 रुपीज़ पे आया, फिर वहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा है। अगर बात करें सिक्स मंथ का तो देखिए, जो कह रहा था ना मैं सिक्स मंथ में, देखिए 140 के आसपास ये शेयर आया, ये इसी रेंज में देखिए कंसोलिडेट किया, फिर भागा यहाँ पर। ओके, फिर दोबारा नीचे आया, फिर यहीं पर ही कंसोलिडेट किया, फिर भागा। ओके, फिर यहाँ पर इसी रेंज में आ रहा है और फिर इस रेंज में आके आपको पता है क्या करेगा, फिर दोबारा जंप मारेगा। और अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, काफ़ी बेहतरीन, और इसे मुथूत से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहते हैं कि मुथूत का सबसे बड़ा ये राइवरी है। तो अगर बात करें बिजनेस राइवरी से ही कहते हैं। अगर बात करें यहाँ पर 52 वीक हाई लो की, तो 74 रुपीज़ का ये शेयर था। 52 वीक हाई की बात करें 187 28 जुलाई को लगाया था। ओके, बट उसी के आसपास ये शेयर इर्द गिर्द रहता है हमेशा। अगर बात करें डिलीवरी परसेंटेज में, तो 33% की डिलीवरी उठाई गई है, लगभग 14,19,000 शेयर। और कंपनी इन्फॉर्मेशन में और जान लेते हैं, तो प्रमोटर के पास 35%, पब्लिक के पास 65%, और यहाँ पर देखिए डिविडेंड भी कंपनी देती आई है। मुथूत फाइनेंस से मेरे ख्याल से डिविडेंड नहीं देता। ओके, और ये कंपनी आपको डिविडेंड देती हुई नज़र आती है, थोड़ा ही देती है बट देती है। और कोई नाक के बराबर शेयर इनके गिर भी है 0.57, जो कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और रिजल्ट्स की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन इनके रिजल्ट्स। और बात करें बोनस की, तो देखिए 3 बार बोनस, डिविडेंड यहाँ पर देख सकते हैं, 2020 में तो इसने 3 बार डिविडेंड दिया है, 2021 में 1 बार डिविडेंड ऑलरेडी दे चुका है, 3 बार बोनस। ओके, यहाँ पर 1 बार स्प्लिट, ओके, राइट इशू भी ला चुका है। तो मतलब सब चीज़ कंपनी देती आ रही है आपको, और क्या चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर शेयर, यहाँ पर लगभग 13,461 करोड़ रुपए की मिड कैप कंपनी है। मिड कैप में डिस्क्लेमर हमेशा देना चाहता हूँ, शेयर भागता तेज है फिर गिरता है, फिर भागता है तेज गिरता है, बट अच्छा शेयर होते हैं। अगर अच्छी कंपनी में आप रहते हैं तो मिड कैप में पैसे बनते हैं, क्योंकि मिड कैप कंपनी ही चल के आगे चल के लार्ज कैप बनती है। हमेशा याद रखना, लार्ज कैप कंपनी डायरेक्ट नहीं आती, इनने ये धीरे धीरे ग्रो करती है। और कैसे ग्रो करती है वो आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसे ग्रो करती है। रेवेन्यू देख रहे हैं,
2018 में 887 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो आज की डेट में लगभग दुगना हो चुका है, 1644। मतलब कितने, केवल 2 साल में दुगना यहाँ पर रेवेन्यू कर रही है कंपनी, तो ऐसी कंपनी भी बड़ी बनती है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो देखिए 179 करोड़ का प्रॉफिट था लगभग, यहाँ पर देख लिए 2 गुने से ज़्यादा, 482 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट विद इन टू और थ्री ईयर। अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2006 में जो ये रेवेन्यू था, ओके 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो कि आज की डेट में 6327 करोड़ रुपए का पिछले 12 महीने में रेवेन्यू गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें, जहाँ पर 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था आज से 9-10 साल पहले, आज की डेट में 1651 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जो कि देखिए बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, ओके। और ऐसी कंपनी जो हम डेली जो अपना रेवेन्यू अपना प्रॉफिट बढ़ाती है ना, उस कंपनी में इन्वेस्ट करके चलो, अपने आप पैसा बनता है। CAGR की बात करें तो 63 का CAGR लास्ट एक साल में दिया है इसने। अगर एक इसी तरीके से रेवेन्यू CAGR से पैसा आपका बढ़ाता रहे, तो आपके पैसे कितनी देर में लगते हैं, 10 साल में आपके पैसे अच्छे खासे, अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे खासे करोड़पति बन जाएंगे। रिजर्व्स की बात करी तो यहाँ पर देखिए 6,282 करोड़ रुपीस का यहाँ पर रिजर्व्स है। बोरिंग ऑब्वियसली बात है, लोन और बोरिंग का ही काम है इनका, ओके गोल्ड लोन का काम है तो बोरिंग रहेगी, इस चीज़ को आप नेगेटिव में ले सकते हैं, इसे ना कंसीडर करें तो अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, 61 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट और 4700 करोड़ रुपीस का यहाँ पर इनके पास कैश इक्विवेलेंट भी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश माइनस में है, बट कोई इशू नहीं है। प्रमोटर्स की बात करें तो 35 करोड़ रुपए के प्रमोटर्स, सॉरी 35% के हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। FIIs देखिए भर भर के ले रखे, लगभग कितने 40% की हिस्सेदारी FIIs की है, मतलब बात करें प्रमोटर्स से ज़्यादा हिस्सेदारी FIIs की है। DIIs की बात करें, DIIs ने भी देखिए 9% की हिस्सेदारी रखते हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी देख लीजिए, 21% की हिस्सेदारी थी, आज के दिन में 16% की हिस्सेदारी है। बट और कभी किसी जमाने में डॉली खन्ना, जिन्हें आप सब जानते ही है किस तरीके से इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर या मिलियंस ऑफ रुपीस कह सकते हैं, डॉलर कह दो कुछ भी कह दो, मिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने किससे कमाए, शेयर बाजार से कमाए, उनकी स्टोरी भी आप जान सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये काफ़ी अच्छा बेहतरीन शेयर है मुथूट फाइनेंस, ओके। एज वेल एज और बताना चाहता हूँ, ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ओके, इस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा हेल्प लीजिए और ख़ुद की स्टडी भी करिए, ये सिंपल नॉलेजेबल वीडियो है। इसके अलावा दूसरा जो शेयर है ना, उसके बारे में अगर बात करें तो दूसरा शेयर है राजेश एक्सपोर्ट। अगर बात करूं मैं आपको दिखा दूं राजेश एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर देख लीजिए 475 पे शेयर चल रहा है राजेश एक्सपोर्ट। तो ये भी गोल्ड से रिलेटेड कंपनी है, क्या करती है तो राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड इज ए गोल्ड रिटेलर इन इंडिया, ओके, गोल्ड का रिटेल में बिजनेस करती है, विच रिफाइंस डिज़ाइन एंड सेल गोल्ड एंड ज्वेलरी, ओके। तो गोल्ड जो ज्वेलरीज होती है उन्हें रिफाइन करती है, डिज़ाइन करती है, सेल करती है गोल्ड की ज्वेलरी को। एंड कंपनी रैंक 7th ऑन द फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट, तो इस जो लिस्ट आती है फॉर्च्यून 500 की लिस्ट, उसमें 7th नंबर पे आती है। रेवेन्यू देखिए 1.96 ट्रिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू है, और क्या चाहिए। अगर यहाँ पर और भी देख ले इंडिया, यहाँ पर जो इनका सबसे बड़ा रिफाइनरी का जो बिजनेस है, ओके, सबसे बड़ा यही करते हैं, जो बेल्जियम में इनकी, मतलब इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी ये बिजनेस करते हैं, और ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स जाते भी है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी इसे समझिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें शेयर प्राइस की, तो यहाँ पर देख लीजिए शेयर प्राइस काफ़ी टाइम से गिरता चला आ रहा है। राजेश एक्सपोर्ट 475 पे चल रहा है, बट अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से जंप मारेगा, यहाँ पर से देखिए अच्छा खासा था, फिर यहाँ से गिरता हुआ नज़र आया। 5 डेज का चार्ट पैटर्न, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। मिड कैप कंपनी है ये भी, शायद यहाँ पर देखेंगे अभी आगे चल के। 2 रुपये का शेयर हुआ करता था कभी, और देखिए 700-800 रुपये पे चल गया था, और अभी भी बात करें तो इसका 52 वीक हाई भी अगर बात करें ना, मार्च में ही बना, जैन में बना था 715 पे, उससे काफ़ी नीचे चल रहा है, काफ़ी मतलब काफ़ी। अब अगर बात करें कितना, तो लगभग 33-34% का गेन आपको कभी भी मिल सकता है इसमें विद इन, अगर बात करें एक साल के अंदर अंदर आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है। और यहाँ पर अगर बात करें डिविडेंड, तो डिविडेंड कंपनी देती आ रही है। बोनस देखिए, बोनस भी 2008 में दिया है, स्प्लिट 2 बार स्प्लिट कर चुके हैं, राइट इशू यहाँ पर लाया नहीं है। 52 वीक हाई लो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 441 रुपये का शेयर था नवंबर में, ओके उसी लेवल पर आज की डेट में चल रहा है। अप्रैल में 656 रुपये तक आया था ये 2020 में, फिर उसके बाद नीचे नीचे, ओके। एक्सपोर्ट आपको पता ही है किस तरीके से हैमर हुआ था ड्यूरिंग द पेंडामिक। 65% की देखिए डिलीवरीज उठाई गई है, 65% की डिलीवरी समझ रहे हो ना आप क्या होती है किसी कंपनी में उठाना। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न डिविडेंड कंपनी देती आ रही है, ओके। और प्रोमोटर्स के पास कोई भी प्रोमोटर ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रख रखे। अगर बात करें यहाँ पर इसके भी फाइनेंशियल्स की, तो मिड कैप कंपनी है, 14,110 करोड़ रुपीज़ की कंपनी है, ओके। कोई भी डेट इक्विटी रेशियो बड़े ना के बराबर है। और यहाँ पर और भी कुछ अगर आप आपको पढ़ने को बहुत कुछ मिल सकता है, ओके। गोल्ड के बिजनेस में ये कंपनी है, रिड्यूस अपना डेट किया है। सेल्स की बात करें तो सेल्स देख लीजिए, ओके, घटते बढ़ते मैरा में है। क्यों? क्योंकि मिड कैप कंपनी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जब बढ़ती है तो अच्छे खासे तेज बढ़ती है, और गिरती है तो उसी तरीके से गिरती हुई नज़र आती है। तो सेल्स देख लीजिए, उसी लेवल पर लगभग सेल्स चल रहे हैं सब। बट सेप्टेम्बर में एक ऐसा क्वार्टर आया था जहाँ पर इन्होंने सेल्स 1,02,150 करोड़ रुपीज़ में यहाँ पर सेल्स मारी थी, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 228 करोड़ रुपीज़ का इस बार प्रॉफिट भी किया है। मतलब पेंडेमिक के बाद से यहाँ पर देखिए अच्छा खासा परफॉर्म कंपनी देती आ रही है। अगर बात करें यहाँ पर ईयरली बेस पे, तो ईयरली बेस पे भी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सेल है, 2,41,000 करोड़ रुपए की विद इन 12 मंथ्स। सेल्स प्रॉफिट की बात करें तो 824 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी है, ओके। यहाँ पर एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस वगैरह इनके काफ़ी हुए हैं, तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के पास 10,000 करोड़ का रिजर्व्स है। और डेट देखो, यहाँ पर कभी 8,000 करोड़ रुपये होता था, वो 6,000 किया, फिर 1,000 किया, और अभी 888 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर केवल डेट बचा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी डेट कम कर रही है। इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें 2,329 करोड़ रुपीज़ का कैश भी पड़ा हुआ है बैंक इनके पास। अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो जैसे कि बता दिया है 44% की हिस्सेदारी यहाँ पर खुद प्रमोटर्स हेल्ड करते हैं। इसके अलावा FIs देखिए, FIs 17%, DIs 7%, ओके। और बात करें यहाँ पर पब्लिक की, तो पब्लिक के पास ना के बराबर ही शेयर है। यहाँ पर देख लीजिए 16-17-18% की होल्डिंग यहाँ पर है, पब्लिक के पास केवल 2-3% ही है, बाकी सब HNIs, ओके, FIs, DIs और प्रमोटर, और अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ही रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ये भी किस कौन सी कंपनी है, ये भी गोल्ड से रिलेटेड काम करती है, तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। एक्सपोर्ट लिखा है तो हमने कभी ओपन करके ही नहीं देखते, हम सोचते केवल एक्सपोर्ट होगा, बट नहीं, ये एक्सपोर्ट में गोल्ड में गोल्ड के रिटेल के बिजनेस में है, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है। और मन्नापूर्णम की बात करें तो देखिए, मन्नापूर्णम हमेशा इसी जोन में आता है, हमेशा बता दिया है, ओके। और इस जोन से अब ये केवल ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला, तो इसको खरीद लीजिए। इसका अच्छा खासा इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 35 के RSI पे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर राजेश एक्सपोर्ट की बात करें, तो राजेश एक्सपोर्ट भी देखिए इसी लेवल पर आता है। इस लेवल पर अगर देखें, यहाँ पर देख लो, सारे के सारे इसी लेवल पे बन रहा है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा बन रहा है, जो एक जो रेजिस्टेंस बनता है जिसे कहते हैं, तो यहाँ से आके ये केवल ऊपर ही जा कभी भी मुड़ सकता है, और जिस दिन मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए RSI भी इसका काफ़ी मतलब कि 36 का RSI पे मिल रहा है, तो कभी भी मुड़ के आपको अच्छा खासा रिटर्न ये दे सकता है, तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल की, सिंपल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपनी खुद की स्टडी आप जरूर करिएगा, तभी इसमें कोई पोजीशन लीजिएगा। मुझे अच्छे लग रहे हैं मन्नापूर्णम, मैंने ऑलरेडी आज थोड़ा बहुत खरीदा है जितनी मेरी कैपेसिटी थी। और बाकी राजेश एक्सपोर्ट में भी मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मैं धीरे धीरे करूँगा, तो ऑब्वियसली बात है मैं इसमें डालता हुआ नजर आऊँगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छा ये शेयर नज़र आ रहा है। तो अपनी स्टडी खुद कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बाकी हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि इस तरीके की वीडियो हम बनाते रहें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।